नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमोबाइल्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि ऑटोमोबाइल क्या होता है। बेसिकली ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलके बना है, ऑटो प्लस मोबाइल। मींस ऑटो मींस स्वयं, मोबाइल मतलब मूवेबल, घूमने वाला या चलने वाला, स्वयं से चलने वाला व्हीकल जो अपनी शक्ति से सड़क के ऊपर चलता है। जितने भी वाहन सड़क के ऊपर चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम ऑटोमोबाइल्स की कैटेगरी में लेते हैं। रेलगाड़ी इस श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि वो पटरी पे चल रही है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली कितनी कैटेगरी कैसी हैं, क्लासिफिकेशन कैसी है उसकी, आइए उसको एक बार समझ लेते हैं। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। देखो ये बेसिकली मैंने गाड़ी का बना रखा है, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल को हम कैटेगराइज करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं या क्लासिफिकेशन, इसकी दो कैटेगरी कितनी है। ये बेसिकली ये दो कैटेगरी होती है इसकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसकी दो होती है, एक होता है पैसेंजर ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, या गुड्स कैरियर मतलब यात्रियों को ले जाने वाले या फिर चीज़ों को उठाने वाले। पैसेंजर क्या होते हैं, यात्रियों वाले या वस्तुओं को उठाने वाले। ये यात्री। अब पैसेंजर में भी आगे दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी, लाइट और हैवी, ठीक है। अब जो गाड़ी या जो व्हीकल ऑटोमोबाइल्स पैसेंजर को यात्रियों को लेके जा रहा है उसके भी आगे दो कैटेगरी है, एक लाइट एक हैवी। लाइट में क्या आते हैं, बिल्कुल हल्के वाहन, फॉर एग्जाम्पल स्कूटर हो गया, मोपेड हो गया, मोटरसाइकिल हो गया या स्टेशन वैगन्स हो गए, ये सारे आते हैं लाइट में, हल्के व्हीकल्स में। और हैवी में क्या आता है, हैवी की भी आगे दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी, बसेस या कोचेस। अब बसेस में क्या है, सिंगल डेकर या डबल डेकर, बसेस भी दो कैटेगरी में है आगे, सिंगल डेकर और डबल डेकर। ऐसे ही कोचेज हैं, और कोचेज में क्या होता है, डीलक्स, ये भी दो कैटेगरी में, डीलक्स या एयर कंडीशनर, जो जितने भी कोचेज हैं ये या तो डीलक्स होंगे या एसी होंगे। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर वाला सेगमेंट। अब आते हैं गुड्स पे, गुड्स कैरियर। गुड्स क्या होता है, चीज़ें, कैरियर मतलब कैरी करके ले जाने वाला, चीज़ों को कैरी करके ले जाने वाला गुड्स कैरियर कहलाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रकों पे लिखा होता है ऊपर, जो पैकर्स एंड मूवर्स वाले या जो भी सामान को इधर उधर लेके जाते हैं उन पर लिखा होता है गुड्स कैरियर, मतलब गुड्स को कैरी करने वाला, चीज़ों को ले जाने वाला व्हीकल। तो उसमें भी आगे दो कैटेगरी हैं, ठीक है। पहली है लाइट, दूसरी है हैवी। इसमें भी हल्के भी वाहन आते हैं, भारी भी आते हैं। हल्के में क्या है, मिनी ट्रक, दूसरा है डिलीवरी वैन, एक छोटा मिनी ट्रक आता है ना, जैसे एस होता है टाटा का, उस टाइप का। और दूसरा आता है डिलीवरी वैन, छोटी वाली जो वैन होती है। हैवी में क्या आएगा, बड़ा ट्रक आएगा, ठीक है, ट्रक आएगा या फिर आएगा ट्रैक्टर, जो सामान को ढोने के लिए बड़े बड़े ट्रक आते हैं, या फिर क्या आता है, ट्रैक्टर जो बड़े सामान को उठा के लेके जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के बारे में समझा है, ऑटोमोबाइल क्या होता है एंड कितने क्लासिफिकेशन है इसकी, क्या क्लासिफिकेशन। तो आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।